हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट्सएप के एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम यहां पर काफी सारे लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है। तो आज उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन लास्ट सीन नॉट शो या फिर नॉट वर्किंग, जो भी आपको लगे आप इसको कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका जो व्हाट्सएप का ऑनलाइन और लास्ट सीन है, वो एक्चुअल में आपको लोगों का ऑनलाइन लास्ट सीन क्यों नहीं दिख रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है एंड किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो क्या देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं अगर मेरे किसी भी कॉन्टैक्ट के अंदर अगर जाता हूँ और मैं किसी के भी कॉन्टैक्ट को अगर यहाँ पर चेक करने की अगर कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आराम से हर किसी का ऑनलाइन और लास्ट सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अभी ऑनलाइन और लास्ट सीन का जो काम है, ये सभी जो अकाउंट है उनके लिए नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अकाउंट का मुझे ऑनलाइन लास्ट सीन शो नहीं हो रहा है, बट इस बंदे ने यहाँ पर इसको ऑफ करके रखा है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन और लास्ट सीन नॉट शोइंग की, ये अभी सभी के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि आज ही मेरे पास मेरे यहीं पर रहने वाला एक लड़का आया एंड उसने मुझे बोला कि भाई, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर किसी का ऑनलाइन और लास्ट सीन नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मुझे तभी समझ में आ चुका था, वैसे मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, और मैं ये भी देख रहा था भाई, क्यों लोग एक्चुअल में ऑनलाइन और लास्ट सीन के बारे में इतने ज़्यादा वीडियोज़ को सर्च कर रहे हैं और क्यों ये वीडियोज़ इतने चल रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि WhatsApp अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करने वाला है, लाने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मेरे एक वीडियो के अंदर बताया है। एंड वो फीचर इस तरीके से रहेगा, तो अभी हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, लेकिन फीचर के बारे में पहले बात कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप अपने थ्री डॉट के ऊपर जाएंगे, सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर जाकर, आप अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर अपने प्राइवेसी के अंदर लास्ट सीन को जब आप हाइड करने जाते हो, क्या मतलब आपका जो लास्ट सीन है वो सभी को दिखे या फिर माय कॉन्टैक्ट को दिखे या फिर यहाँ पर नोबडी किसी को भी ना दिखे, तो ऐसा ऑप्शन अभी तक व्हाट्सएप के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर व्हाट्सएप अब एक नए अपडेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट सीन के अंदर अभी आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो एक आपका ऑप्शन बढ़ जाएगा। वो किस तरीके से, उसके लिए अगर हम यहाँ पर आएंगे ग्रुप के अंदर, तो जैसे कि आप ग्रुप के अंदर अपने ऑनलाइन स्टेटस को या फिर हु कैन ऐड मी वाले ऑप्शन के अंदर माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद अगर आप सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करके रखेंगे, तो वहाँ पर आपका जो ऑनलाइन और लास्ट सीन है जस्ट उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन लोगों को आपने माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के अंदर डाला है। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है ऑनलाइन और लास्ट सीन नहीं शो होने का, वो यही है कि व्हाट्सएप अभी इस फीचर के ऊपर काम कर रहा है, और इस काम करने के टेस्टिंग की वजह से या फिर जो अभी ऑनलाइन और लास्ट सीन के फीचर के अंदर चेंजेस की वजह से काफ़ी सारे अकाउंट के ऊपर ये बग या फिर ये इशू आ रहा है कि उनके व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन लास्ट सीन शो नहीं हो रहा है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम यही है कि व्हाट्सएप के अंदर जब वो फीचर आएगा, तो आपका जो ऑनलाइन लास्ट सीन का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि व्हाट्सएप अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट की वजह से काफ़ी सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 से 10% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा जिनको ऑनलाइन लास्ट सीन नहीं दिख रहा है। तो अब आप अपने ऑनलाइन लास्ट सीन को किस तरीके से यहाँ पर सही कर सकते हैं, तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आप जिसका व्हाट्सएप चेक कर रहे हो उसने अपने लास्ट सीन को हाइड करके रखा होगा, तो ये एक इशू हो सकता है। अगर ये इशू नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ अकाउंट के ऊपर अभी ऑनलाइन लास्ट सीन नहीं दिख रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये दोनों ही प्रॉब्लम अगर आपके नहीं हैं, तो आपको एक काम करना है, अपने व्हाट्सएप को एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट करने के बाद सही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वेट करना है। जब तक ये नया अपडेट नहीं आ जाता है, तो मैं आपको खुद एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, उसके बाद सभी लोगों का ये इशू सही हो जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप क्या करता है, जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, कोई नया फीचर ऐड करता है, तो उस दौरान सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से इंटरप्शन होने की वजह से ये सारे इश्यूज आते रहते हैं। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा कि ऑनलाइन और लास्ट सीन को आप किस तरीके से देख सके। एंड यहाँ पर मेजरली जो मैंने आपको बताया कि ये व्हाट्सएप के नए अपडेट का ही प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, आपका ये ऑटोमेटिकली इशू सॉल्व हो जाएगा। आप इसके चक्कर में अपने व्हाट्सएप के डेटा को क्लियर मत करो, या फिर आप अपने अकाउंट को डिलीट मत करो, चेंज मत करो,
सारी चीज़ें आपकी सही है। यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है ये WhatsApp की ऐप का भी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट WhatsApp के सर्वर का या फिर WhatsApp की मेन कंपनी का है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जैसे प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।